The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं और सारी जानकारी ऑथेंटिक होती है, वेरीफाइड होती है। और आज हम बात करने वाले हैं उन इंजेक्शंस के बारे में जो लगते हैं कैटल्स को, गाय भैंसों को, और इसलिए लगते हैं ताकि उनका मिल्क, दूध का बनना बढ़ जाए, दूध ज़्यादा निकले। और इंजेक्शंस लगते हैं हॉर्मोन्स के, ग्रोथ हॉर्मोन के, एंटीबायोटिक के, और उससे आपको क्या, आपको हो रहा है कैंसर, क्या उससे बढ़ रही है बीमारी, क्या उससे हो रहा है इन्फेक्शन, क्या आपके हो रहे हैं साइड इफेक्ट, क्या हो रहा है आपके अंदर, ये सवाल जो लोग समझते हैं और कहते हैं कि दूध मत पियो, दूध पीना बंद कर दो, तो उसके पीछे क्या सच्चाई है और उसके पीछे क्यों फूड एंड ड्रग एसोसिएशन FDA, USFDA ने उसे अप्रूव कर दिया कि भाई हाँ यूज करो, क्यों क्यों क्यों, उन सब के सवालों के जवाब आज हम देंगे इस वीडियो में। बात करते हैं, सबसे पहली बात, आपके अंदर एक हार्मोन है, आपके हमारे ह्यूमंस के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग में है जो कि सोमैटोट्रोपिन बनाता है। यह सोमैटोट्रोपिन आपके शरीर के अंदर ग्रोथ प्रमोट करता है, ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन, सेल रेप्लिकेशन बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ये एक दूसरे हार्मोन के की पनप पैदावार बढ़ा देता है जिसका नाम है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन 1। ये बढ़ता है तो कुछ तरीके के सेल्स जो इससे सेंसिटिव हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे कि कई मसल्स भी बात हो गई, या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, या मैस जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं, जो गाय भैंसों के स्तन हैं, वो सब बड़े हो जाते हैं। तो दूध प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन है वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए जब इसी का बोवाइन वर्जन यानी बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, बोवाइन सोमैटोट्रोपिन का रिकॉम्बिनेंट यानी आर्टिफिशियल वर्जन बनाया गया और वो बना के फिर उनको देते हैं कि भाई आपके अंदर बोवाइन गाय भैंसों में वो बढ़ जाए, उसका हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, उनका वाला ग्रोथ, हमारा वाला नहीं, हमारा अलग है, बोवाइन अलग है, वो वाला रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, रिकॉम्बिनेंट बोवाइन सोमैटोट्रोपिन, एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम, वो उनको दिए जाते हैं इंजेक्शन। वो इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर दूध प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उनके अंदर सेल डिफरेंशिएशन ग्रोथ बढ़ जाता है और वो तेजी तेजी से, जो वो थोड़ा बहुत दूध देते थे वो डबल दूध देने लगते हैं, डबल या आसपास डबल, करीब करीब, तो फिर ज़्यादा कम गाय भैंसों में ज़्यादा दूध, ज़्यादा काम आता है। तो 1993 में USFDA ने इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ इसको यूज कर सकते हो US ने, और 8 ऐसी FDA के जैसी बड़ी बड़ी एसोसिएशन ने इसको पूरी तरह से चेक करके अप्रूव कर दिया 1993 में। तब से ये यूज हो रहा है US में भी सब जगह, दो तीन कंट्रीज हैं, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और कुछ ऐसी कंट्रीज जो नहीं यूज करते, बोलते नहीं भाई साहब हमें आर्टिफिशियल नहीं, हमें नेचुरल चाहिए, आर्टिफिशियल का हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका सवाल यही है कि क्या उससे वो रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन ह्यूमंस को इफेक्ट करेगा, क्या वो दूध में आएगा, क्या वो इफेक्ट करेगा, नंबर वन सवाल। उसका जवाब ये है कि बोवाइन ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन में एक्टिव ही नहीं है, आएगा भी तो कुछ काम नहीं करेगा। दूसरी बात, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, इवन इफ वो दूध में है तो आपके इंटेस्टाइन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो वो गई खत्म बात। दूसरा सवाल कि ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है इनको कैटल्स को, गाय भैंसों को ये इंजेक्शन देने से, तो इसके वजह से क्या आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, और क्या आपके अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, जो कि पहले पहले लोगों को लगता था। अब इवन US की कैंसर सोसाइटीज, कैंसर एसोसिएशंस, जो कैंसर ही समझती हैं, पढ़ती हैं, वो कैंसर ही करती हैं और कुछ नहीं करती, कैंसर कैंसर कैंसर, वो अपने आर्टिकल्स में, अपने इसमें उनकी वेबसाइट्स की ये बात है, उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले पहले जो इनिशियल फेज में ये रिस्क लगता था वो अब स्टडीज में पाया गया है कि ये बहुत वीक एसोसिएशन है ही नहीं, एसोसिएशन ना के बराबर, वीक एसोसिएशन है उसके साथ कैंसर का। सो कैंसर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इवन इसके थ्रू, जी हाँ, आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ता है, जो बढ़ता है 10% उस
एक पर्टिकुलर गाय भैंस जिसको इंजेक्शन लगा, जिसको नहीं लगा, जिसको लगा उसमें 10% इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ज्यादा होता है उसके मिल्क में, और सॉरी उसके अंदर ज्यादा होता है, और वो पीने से आपके अंदर 10% इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज्यादा हो जाता है, 10% ज्यादा आपके अंदर। मगर ये सिर्फ वो पीने से नहीं होगा, अगर आप सोया मिल्क पी रहे हो, सोया मिल्क पी रहे हो, तो भी आपके अंदर 10% ज्यादा होगा। अगर आप कोई भी हाई प्रोटीन चीज ले रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो एक्स्ट्रा, तो भी आपके अंदर 10% ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, IGF-1 ज्यादा होगा। तो ये जब उन्होंने देखा तो ये पता चला कि ये काउ मिल्क से एसोसिएटेड है ही नहीं, ये सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट का एसोसिएशन है जिससे आपके ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन बढ़ जाता है, दैट्स गुड, दैट्स ओके, और इसका एसोसिएशन कैंसर के साथ ना के बराबर ये नहीं देखा गया। तो फिर होता क्या है, तो फिर दिक्कत क्यों, किस वजह से दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही है एंटीबायोटिक्स की वजह से। एंटीबायोटिक प्रॉब्लम क्या, ह्यूमन में नहीं, गाय भैंसों में, क्योंकि उनका दूध का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, क्योंकि उनके स्तनों का ग्रोथ इतना बढ़ गया कि बार बार प्रोडक्शन से, बार बार यूसेज से, इस्तेमाल से वहां इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गायों के स्तनों में उधर मैस्टाइटिस इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है ज्यादा जल्दी कंपेयर टू नॉर्मल लोग, नॉर्मल गाय ऑब्वियसली जहां काम ज्यादा वहां मेंटेनेंस ज्यादा, वैसे ही वहां पे इन्फेक्शन होता है तो उनको एंटीबायोटिक्स की जरूरत ज्यादा लगती है और इसीलिए एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगते हैं। क्या ये एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन उनके दूध में एंटीबायोटिक आता है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं आता। क्या ह्यूमंस में एंटीबायोटिक का कोई असर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि गायों को भैंसों को एंटीबायोटिक ज्यादा लगने से उनके अंदर के जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड बैक्टीरिया, अगर कई बार जैसे ह्यूमन में ट्रीटमेंट आधा छोड़ दिया जाता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, वैसी गाय भैंसों में अगर ट्रीटमेंट नहीं सही से लिया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर नहीं यूज करा तो, प्रॉपर नहीं यूज किया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज बढ़ सकते हैं गाय भैंसों वाले। अब ये गाय भैंसों वाले ह्यूमन में आएंगे कि नहीं आएंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई इसका अभी तक में डेटाबेस नहीं है, रिसर्च नहीं है, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज प्रॉपर यूसेज, प्रॉब्लम ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो ह्यूमन में भी है, जो वो भी है जो आप केमिस्ट में से आके दो गोली एंटीबायोटिक ले लेते हो और बोलते हो मैं ठीक हो गया, आधी बैक्टीरिया आधी ज्यादा बैक्टीरिया मर गए, लेकिन जो दो बचे हैं जो बाहर निकल गए आपसे वो दूसरे को जाके रेजिस्टेंस करते हैं और फिर हम बड़े से बड़ा एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। खैर वो अलग बात है, उस पर अलग वीडियो है, पर पॉइंट इज IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ब्रो, आपका RBGH बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन जो उनका है, कैटल्स का है, या एंटीबायोटिक्स से आपको कोई खतरा नहीं। जब आपको खतरा ही नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए FDA ने इसे अप्रूव किया और इसीलिए इसको चला। यहां तक कि FDA ने वर्स्ट केस सिनेरियो देखा कि पहले तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, अगर दूध में है उससे आपको कितना एब्जॉर्ब, वो पता नहीं है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन है 10% तो बढ़ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट एब्जॉर्ब होगा कि नहीं ये नहीं पता। इवन इफ इट गेट्स कंप्लीट एब्जॉर्ब, इवन इफ आप बच्चों को दे रहे हो, इन्फेंट्स को दे रहे हो, 1.5 लीटर दूध एक छोटा बच्चा, 1 साल से छोटा बच्चा अगर फिर भी 1.5 लीटर भी दिन में पी लेता है, ये सोच के कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, 1.5 लीटर भी पी लेता है, उसके वजह से उसके अंदर जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन जो फैक्टर्स ग्रोथ फैक्टर बढ़ेंगे राइट, वो उस बच्चे के अंदर उसके आपने आपके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का 1% से भी कम है, मतलब उसके अंदर ही इतना सादा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो रहा है कि वहां से आने वाला जो गाय भैंसों के दूध से आने वाला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो ना के बराबर है। वो बच्चों की बात, बड़ों में भी ऐसा है, आपके अंदर ऑलरेडी इतना ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ फैक्टर बनता है जो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बनाते हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी बनता है, एक्सरसाइज नहीं भी करते तो भी बनता है राइट, थोड़ा बहुत एक्टिविटी तो सभी करते हैं, दैट्स द पॉइंट। सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी फ्रॉम एनी साइड, यू कैन यूज, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजेक्शंस का कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, जो इंजेक्शंस लगाते हैं उनको ध्यान में रखना है कि जरूरत है उतना लगाए, अति ना करें, वो इतनी सी बात है। सो दैट्स द आइडिया दोस्तों, इस पे वीडियो की डिमांड बहुत टाइम से हो रही थी और इसीलिए थोड़ा बहुत रिसर्च इस पे प्रॉपर करके हमने ये वीडियो बनाया है और आई होप आपको पसंद आया होगा। जरूर जरूर इसको शेयर करिए, लोगों को भेजिए सॉरी, और सबको बताइए कि ये क्या है
और इसके पीछे का जो रिसर्च है रिस्क, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, जो अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन सोसाइटी का पूरा उसमें डेटाबेस है, आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ सकते हैं आप। चाहो तो पबमेड में जाके खुद रिसर्च कर सकते हो, लेटेस्ट पढ़िएगा, 25-25 10-10 साल पुराने रिसर्च नहीं है, 2014, 2017, 2015 इनके रिसर्च पढ़ना है और मेटा एनालिसिस पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। 10 साल पुरानी रिसर्च आज बदल चुकी होती है। सो दैट्स द आइडिया। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।